बिलासपुर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी आईटी सेल एवं सोशल मीडिया के बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों का पदभार ग्रहण समारोह आज 7 जून को बिलासपुर कांग्रेस भवन में मोहन मरकाम अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं प्रमुख कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ। उसके बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी एवं भाजपा को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वीडियो में बने रहें और देखिए और क्या कहा। देखिए, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और भाजपा को देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, इन 8 सालों में 14 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी। उन्होंने किसानों की आय 2022 तक दुगुना करने की बात की थी। आज क्या हंस रहे किसान, पूरे देश में आत्महत्या कर रहे हैं। आज उन्होंने अच्छे दिनों की वादा किया था, आज देखिए महंगाई के कारण त्राहिमाम स्थिति आ रही। हमारी सरकार थी 410 रुपये गैस सिलेंडर का था, आप 1100 रुपये गैस सिलेंडर के दाम है। हमारी सरकार थी 65 रुपये पेट्रोल का रेट था प्रति लीटर, डीजल का 55 रुपये था, अभी शतक मार रहे हैं। और उन्होंने कहा था 15 लाख प्रत्येक खाते में जमा करेंगे, क्या हुआ? आज देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इनके कार्य में आज देश सुरक्षित नहीं है, आज चाइना हमारे सरहदों के अंदर तक घुस के उनके बंकर बन रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी किस नाम से जनता के बीच में जा रही, तो देश को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को माफ़ी मांगना चाहिए।